गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सुमेर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में सारी जानकारी आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक अपन ने पास्ट टेंस के तीन एस्पेक्ट्स को अपन पढ़ चुके हैं और आगे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, उसकी पूरी जानकारी अपन आगे की वीडियो में करेंगे। तो आइए, सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट से मेरे निवेदन रहेगा कि आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक बनाए रख करके देखें और इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, बात करें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो यूज होते हैं उसको देखिए। इट्स यूज्ड फॉर एन एक्शन, एक इस प्रकार के एक्शन को बताने के लिए इसका यूज किया जाएगा। विच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो भूतकाल में, मतलब सम टाइम इन द पास्ट का मतलब होता है भूतकाल में किसी समय पर वो स्टार्ट हुआ। एंड वाज इन प्रोग्रेस, और वो कार्य अभी तक चल रहा था। एट सम टाइम लेटर इन द पास्ट, यानी कोई भी कार्य भूतकाल में किसी समय तक समय में स्टार्ट होता है, किसी समय पर स्टार्ट होता है और आगे भी भूतवी काल में, मतलब पास्ट टेंस में ही वो आगे कार्य जारी रहेगा, ऐसा बताने का कार्य इस टेंस के अंदर आप करोगे। वापस समझ लेते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, एक इस प्रकार का एक्शन इसमें बताया जाएगा। विच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में वो कार्य स्टार्ट हुआ। एंड वॉज इन प्रोग्रेस, और वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सम टाइम लेटर इन द पास्ट, पास्ट में भी आगे वो भी वो जारी रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग। डोर बेल का होता है जो घंटी होती है, बाहर की घंटी, फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वॉज ओपनड, यानी दरवाज़ा खोलने से 5 मिनट पहले तक। द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वॉज ओपनड, दरवाज़ा खोलने से 5 मिनट पहले तक वो घंटी बज रही थी। तो देखिए मित्रों, डोर बेल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, रिंगिंग मेन वर्ब है। फॉर 5 मिनट्स, फोर, सिंस फोर का प्रयोग पास्ट कोई भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें, सिंस और फॉर टाइम का एडवर्बियल के रूप में यूज किया जाएगा। और ये है जो पास्ट का कोई ना कोई ऐसा काम बताया जाएगा कि काम आगे भी जारी रहा था। अगले सेंटेंस से समझिएगा, इट हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में रह रहा था। फॉर 10 ईयर्स, कितने सालों से, 10 सालों से। वेन आई मीट हिम लास्ट ईयर, जब मैं उसे लास्ट ईयर मिला था तब उसको दिल्ली में रहते हुए कितने साल हो चुके थे, 10 साल हो चुके थे। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब, लिविंग मेन वर्ब के रूप में, सिंस फॉर का प्रयोग हो गया, और मैट हिम लास्ट ईयर, जब मैं उनसे लास्ट ईयर मिला था। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से अपन रूल्स की तरफ जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल, आई हो चाहे यू हो, सिंगल हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ में आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। मेन वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का आपको प्रयोग करना होगा। मित्रों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर भी कंटीन्यूअस होता है वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती ही आती है। बात करें स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, हैड के बाद में बीन लेना है, हैड बीन जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा और टाइम का एडवर्ब आ जाएगा सिंस और फॉर। ये तो बात हुई अफर्मेटिव की, किसकी बात हुई, अफर्मेटिव की। बात करें अगर नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे तो जो सेंटेंस है क्या बन जाएगा, नेगेटिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है और उसके बाद में सिंस फॉर। बात करें इंटरोगेटिव की, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, हैड, यदि डब्ल्यू एस वर्ड है तो डब्ल्यू एस वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, यदि डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। बीन लगाना है, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी, ऑब्जेक्ट लेना और एडवर्बियल्स क्या लेना है, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ, यानी किसी भी निश्चित समय को बताना है तो सिंस का प्रयोग करना है, और फॉर का प्रयोग करना है पीरियड ऑफ द टाइम के साथ, यानी समय की अवधि यदि आपको बतानी है तो फॉर का प्रयोग करोगे, और कोई निश्चित समय बताना है तो किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करना होगा। सिंस और फॉर के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले जो वीडियो था उसमें बताया है। यदि किसी कोई नया विद्यार्थी अभी हमसे जुड़ा है तो अपने पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें।
चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं एंटर्ड हुआ, एंटर्ड का मतलब प्रवेश करना, द क्लास, जब मैं क्लास में प्रवेश किया, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया। यहाँ तक ये जो टेंस बन रहा है, व्हेन के बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स। जो टीचर है जो कितने मिनट तक बोल चुका था, 15 मिनट तक, मतलब जब मैं क्लास में प्रवेश कर चुका था उस समय तक टीचर 15 मिनट तक बोल चुका था। इन 2015 आलोक हैड बीन रनिंग। आलोक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रनिंग मैन वर्ब, द सर्व फॉर 6 ईयर्स। आलोक की दुकान को चलते कितने साल हो चुके थे, 7 वर्ष हो चुके थे, यानी 6 ईयर कंप्लीट, 6 ईयर हो चुके थे। यहाँ पे कंप्लीशन का कोई भी नॉलेज या कोई भी हिंट नहीं दिया जा रहा है, मतलब 7 वर्ष हो चुके थे इन 2015, यानी 2015, 2015 की बात की जा रही है यहाँ पे। उसको दुकान चलाते हुए कितना टाइम हो चुका था, वो रहा था 6 ईयर्स। अगले सेंटेंस को देखिए, द स्टूडेंट्स, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, फिर भी इसी के साथ में किसका प्रयोग करना हैड बीन का। द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेज, स्टूडेंट हैड बीन टेकिंग आईएनजी फॉर्म लगे, टेक के साथ टेकिंग आईएनजी फॉर्म, एक्स्ट्रा क्लासेज, वो एक्स्ट्रा क्लासेज ले रहे थे फॉर अ वीक, कितने टाइम से, अ वीक से, फॉर वीक डेज का पीरियड होता है तो सप्ताह के दिन, मतलब डेज पीरियड ऑफ अ डेज 7 डेज, इसके लिए किसका प्रयोग हो गया, फॉर का। द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर अ वीक, एक सप्ताह से वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट, क्योंकि उनका सिलेबस है जो इनकम्प्लीट था, यानी उसका सिलेबस है जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है जो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो उनकी क्लासें एक सप्ताह से चल रही थी। यहाँ पे भी पास्ट का कोई ना कोई टाइम दिया गया है। तो मित्रों ये था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिंपल से क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं जो आपके प्रेजेंट और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में से आने की संभावना ज़्यादा रहती है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाने का प्रयास किया। आपके जीवन में या आगे भी कोई भी कंपटीशन में यदि आप इसका यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब मित्रों पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को अपन आज देखेंगे। पास्ट टेंस अपन ने पढ़ा, इसके एक एक करके सारे के सारे टेंस अपन ने पढ़े और आज अपना पास्ट टेंस भी पूरा हो चुका है। तो पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को लेकर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करके फटाफट बताने का प्रयास आप भी करोगे और मैं भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पहले समझोगे तभी आप इजीली इस क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओगे। पहला क्वेश्चन है द वाटर इन द पॉन्ड, द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, द वाटर इन द पॉन्ड ब्लैंक स्पेस लास्ट नाइट। देखिए मित्रों जब अपन ने टेंस पढ़े थे तो सभी टेंस की एडवर्बियल्स, उनके यूसेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी। द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब को जो पानी है, लास्ट नाइट, पिछली रात, तो यहाँ पे लास्ट नाइट जो एडवर्बियल्स है जो पास्ट सिंपल टेंस का है, तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है, सेकेंड फॉर्म। वर्ब है देखिए फ्रीज, वाज फ्रीजिंग, फ्रोज और फ्रोजन। फ्रीज का मतलब होता है जमना। द वाटर इन द पॉन्ड, तो तालाब का पानी था वो लास्ट नाइट को क्या हो गया, जम गया था। तो यहाँ पे फ्रीज की सेकेंड फॉर्म क्या प्रयोग हो जाएगी, फ्रोज। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक्सीलेंट, आप सभी के आंसर्स को मैं देख पा रहा हूँ। आप इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लोगे। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। व्हेन आई ब्लैंक स्पेस हर फर्स्ट टाइम, व्हेन आई ब्लैंक स्पेस हर फर्स्ट टाइम सी ब्लैंक स्पेस इन अ क्लास। देखिए मित्रों आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करके मेरे को बताएंगे।
व्हेन आई ब्लैंक स्पेस हर फर्स्ट टाइम शी ब्लैंक स्पेस इन अ क्लास, ऑप्शन को देख लीजिएगा, शॉ कोमा लगा करके मैंने उसे सेपरेट करने का प्रयास किया, वॉज सिटिंग शॉ, ऑप्शन नंबर सी, शी सिट, ऑप्शन नंबर डी, सीन और सिटिंग। तो देखिए मित्रों, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक क्लॉज होता है पास्ट सिंपल का होगा और एक क्लॉज है जो किसका होगा, पास्ट कंटीन्यूअस का होगा। तो जो वैन वाला क्लॉज होता है वो हमेशा किस में जाता है, पास्ट सिंपल में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम, पहली बार देखा, सी वॉज सिटिंग इन अ क्लास, वह कहाँ पर बैठी थी, क्लास में बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेशेंट ब्लैंक स्पेस बिफोर द डॉक्टर, द पेशेंट ब्लैंक स्पेस बिफोर द डॉक्टर। देखिए मित्रों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस, आपने इस टेंस को भी पढ़ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चंस का आंसर देने में नहीं होनी चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करिएगा। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे विद्यार्थी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं, तो उनसे सभी से विनती है, यदि आप गलतियाँ करोगे तो ही सफलता को प्राप्त करवाओगे, गलतियों को सुधार कर ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। तो गलतियों को सुधारें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तभी आप क्वेश्चन को लर्न कर पाओगे। द पेशेंट, उसके बाद में क्या जाएगा, हैड डाइड, क्या जाएगा, बिफोर द डॉक्टर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और है, द पेशेंट डाई अराइव, पहले ऑप्शन में डाई और अराइव, दूसरा ऑप्शन दे रखा हैड डाइड और अराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी डाइड हैड डाइड और ऑप्शन नंबर डी अराइव और डाइड। फटाफट अपने आंसर्स को सेलेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा टाइप करिएगा। वेरी गुड। तो मित्रों, मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था उसमें दो प्रकार के काम बताए थे, एक काम पहले होता है और दूसरा काम उसके जस्ट बाद में। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो बाद में काम होता है वो सिंपल में होता है। तो पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुँचने से पहले पेशेंट्स की मृत्यु हो चुकी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When I blank space to see him, he blank space a cricket match on TV. ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी आपके आंसर्स को फटाफट टाइप करके बताएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, When I blank space to see him, he blank space a cricket match on TV. ऑप्शन नंबर ए गो एंड वॉच, वेट वॉज वॉचिंग, गॉन वॉश्ड, गो और वॉश्ड। देखिए मित्रों, वैन के बारे में अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ पे वैन आ रहा है वहाँ पे पास सिंपल होगा। तो बिल्कुल आसान, अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। When I went to see him, जब मैं उनको देखने के लिए गया, went है जो go की सेकेंड फॉर्म, go, went, gone। When I went to see him, जब मैं उनको देखने के लिए गया, he was watching a cricket match on TV, वह TV पर क्या देख रहा था, क्रिकेट मैच देख रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया ब्लैंक स्पेस फ्रीडम इन 1947, इंडिया ब्लैंक स्पेस फ्रीडम इन 1947। देखिए मित्रों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। इंडिया ऑप्शन दे रखा ए गेट, बी गॉट, सी गेटिंग, डी हैड गॉट। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंडिया गॉट, कोई भी पास्ट का एक्शन है वो किस में बताया जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो क्या जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये तो थी पास्ट टेंस के बारे में कुछ एक्सरसाइज।
अब मैं दो क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ फाइंड द एरर के नाम से, इसमें एरर क्या है वो आपको साट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखिए, माई फादर वॉज वाटरिंग, वाटरिंग वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना, वाटरिंग का मतलब क्या होता है पानी देना। माई फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, मेरे पिताजी प्लांट्स में पौधों को पानी पिला रहे थे। वैन सडनली द रेन स्टार्टिंग, सडनली रेन क्या हो गई स्टार्टिंग। देखिए चार ऑप्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है, इनमें से कौन से ऑप्शन में एरर है वो आपको एरर टाइप करना है। 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, ए बी सी डी या 1, 2, 3, 4 कोई भी आप मान लीजिएगा, और सही आंसर यानी कौन से भाग में एरर है वही आपका सही आंसर होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर एरर को देख करके आप टाइप करोगे, और उसके बाद एरर बताने के बाद में आपको उसको सही क्वेश्चंस को सही तरीके से टाइप करके मेरे को बताना है कि कौन सी गलती है और इस गलती को सही किस प्रकार किया जाएगा। तो दोनों काम आपको करने हैं, एक तो फाइंड द एरर, एरर को भी फाइंड करना है, प्लस टेंस को सही करके भी बताना है। इससे आपके दो क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, एक तो टेंस का क्वेश्चन और दूसरा फाइंड द एरर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी टॉपिक होता है फाइंड द एरर वाला, तो वो भी क्वेश्चन आपके सही होने की पूरी पूरी संभावनाएँ होती है। अगला क्वेश्चन, आई गो टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। देखिए फोर पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, आई गो टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क और नो एरर, कौन से पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे समझ करके, कौन से भाग में एरर है वो एरर का भाग टाइप करोगे, और उसके बाद इसको सही कर करके कमेंट बॉक्स में पूरी सेंटेंस को सही करके भी टाइप करके भी बताओगे। तो मित्रों ये था पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में अपन ने पूरी जानकारी करने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मित्रों पिछले वीडियो की कोई विद्यार्थी यदि अपने इस परिवार में नया जुड़ा है तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश के पहले पुराने वीडियो को देखें, ताकि वो अपनी आगे की स्टडी को जारी करें तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।